हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की बहुत ही लाजवाब रेसिपी, वेज एग रेसिपी। एग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसको एकदम फाइन चॉप्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा पनीर अच्छे से चॉप्ड हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा पनीर हम साइड में निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे, जो अंडे का पीला भाग होता है ना बीच में, उसे बनाने के लिए। सिर्फ इसको कलर देना है मुझे पीला। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रूट कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल पीला, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंडे का पीला भाग ही हो। और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ हम 5-6 तैयार कर लेंगे। तो ये सारा तैयार हो चुका है। इसके बाद जो ये पनीर बचा है, इसमें मैं अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी और 2 उबले हुए आलू को ग्रेट करूंगी। आप अपनी ज़रूरत अनुसार आलू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 आलू की ज़रूरत थी तो 2 आलू लिया, और कॉर्नफ्लोर मुझे थोड़ा और ज़रूरत था तो थोड़ा सा और ले लिया है। अगर ये थोड़ा गीला लगे तो आप और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और इस तरह से हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। अच्छे से मैश हो चुका है, अब इसकी छोटी छोटी हम लोई बनाएंगे और हथेली पे लेंगे और इस तरह से चिपटा कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर ये पीला भाग जो है हाथ से दबाते हुए, प्रेस करते हुए हल्के हाथों से इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद हाथ की हथेलियों से इसको अंडे का शेप देंगे। एकदम हल्के हाथों से इसको अंडे का शेप देना, देखिए बिल्कुल अंडा जैसा ही ये दिख रहा है। अब इसके बाद इसको जो है ना हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा लपेट लेंगे ताकि तलते समय ये फटे नहीं, और जो इस एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है इसको जो है हम हाथ की सहायता से झाड़ लेंगे ताकि तेल में ये इसकी वजह से तेल ख़राब नहीं होगा। थोड़ा इसका एक्स्ट्रा पाउडर जो है इसको हम झाड़ के निकाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि इसका शेप ख़राब ना हो। तो इस तरह से सारे हमारे एग जो है तैयार हो जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा पाउडर सब निकल गया है, झाड़ देंगे हाथ से बिल्कुल ही। तो सारे एग हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक पैन रखेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल जब मीडियम गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम सारे एग को एक एक करके या 2 जैसे आपकी सहायता उस तरह से आप डाल के इसको तल लेंगे। अगर अंडा ठीक से ये डीप हो जाए तो बहुत ही अच्छे से तल जाएगा, नहीं तो हम इस तरह से चमचे की सहायता से ऊपर इसके तेल डाल के इसको अच्छे से तलेंगे। फिर उसके बाद इसको हम पलटेंगे ताकि ये फटे नहीं, दोनों साइडों से अच्छे से सिक जाएगा। देखिए बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है, कोई भी इसको बिना खाए कह नहीं सकता कि ये एग नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसे आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और घर में तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा पहली दफ़ा जब खाएगा कि ये एग है या क्या है। जब तक खाएगा नहीं इसकी इसको पहचान ही नहीं पाएगा। तो इस रेसिपी को आज ज़रूर एक बार ट्राई करें। इस तरह से सारे हम एग को तल लेंगे। सारे एग तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल इसमें छोड़ेंगे, और इसके बाद हम तड़का लगाएंगे जीरे का। और जीरा जब अच्छे से चटकने लग जाएगा तो हमें फाइन चॉप्ड किया हुआ यहाँ पर 2 प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा, लाइट गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक और 2 टमाटर चॉप्ड करके इसमें डाल दूंगी और फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारा फाइन पेस्ट बन, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं 2 लाल मिर्च तोड़ के डाल दूंगी, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसके साथ। प्याज के साथ इसको मैं भून लूंगी मिर्च को। इसके बाद ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया उसको मैं इसमें डाल दूंगी। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, और 1/4 चम्मच इसमें मैं डालूंगी सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, और 1 मिनट के लिए मसाले को इसमें अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और 1 मिनट के इसको लो फ्लेम पे ढक के हम इसे पकाएंगे। और जो इसमें मसाला पेस्ट बनाया था उसको थोड़ा सा खंगाल के इसमें पानी को डाल देंगे। उसके बाद वापस से इसको हम ढक के
धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद ये हमारी ग्रेवी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और इसको हम बीच से अंडे को काट लेंगे। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट, बिल्कुल अंडे की तरह दिख रहा है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये अंडा नहीं है। और ये हमारी ग्रेवी बहुत ही मस्त तैयार हो चुकी है। इसमें हम चॉप्ड किया हुआ धनिया डाल देंगे, आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीने से बहुत ही बढ़िया अच्छी फ्लेवर आते हैं। और इसको सर्व करने के लिए अब हम प्लेट में अच्छे से डेकोरेट करके सर्व कर देंगे। बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यह एग नहीं है।